तो महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में जितना बड़ा सरप्राइज एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना था, उससे भी बड़ा सरप्राइज था देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना, जिन्हें कल तक अगला मुख्यमंत्री माना जा रहा था। फडणवीस ने शपथ तो ले ली, लेकिन वो नाराज बताए जा रहे हैं। कल तक मुख्यमंत्री पद का पेड़ा खाते दिख रहे देवेंद्र फडणवीस के मुंह से मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम सुनकर सबको शॉक लगा। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला कि श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। जैसे ही फडणवीस ने ऐलान किया, उनका 2.5 साल पुराना बयान चर्चा में आ गया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की बात सुनकर सभी शॉक में थे कि तभी फडणवीस ने एक और शॉकिंग न्यूज सुना। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। फडणवीस के ऐलान के साथ ही सब कहने लगे कि फडणवीस तो बड़े दिल वाले निकले। खुद एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक को समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री पद है। फडणवीस का शुक्रिया करने के बाद शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एक ट्विस्ट आ गया। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। जाहिर है फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाने का फैसला भी बीजेपी आलाकमान का रहा होगा, लेकिन ऐसा लगा कि उप मुख्यमंत्री ना बनने का फैसला खुद फडणवीस का था। तो क्या मुख्यमंत्री न बनने के बाद फडणवीस को चुभ गई, इसीलिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया? फडणवीस की नाराजगी ने बीजेपी आलाकमान को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। पहले जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर अमित शाह ने भी नड्डा के ऐलान की पुष्टि कर दी। आनंद फानंद में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक और कुर्सी जोड़ दी गई और फिर ये तस्वीर सामने आई। एकनाथ शिंदे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिंदे और कल के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज के उप मुख्यमंत्री। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस, ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।